जापान की नामचीन कंपनियां राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल टूरिज्म एनर्जी स्टोरेज सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश करेगी। सीएम ने जापान सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और राजस्थान में निवेश को सुविधाजनक बनाने में जापान के सहयोग की अपेक्षा की। इसमें अर्थव्यवस्था व्यापार उद्योग के संसदीय उप मंत्री ईशी ताकू और लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट और पर्यटन मंत्रालय के संसदीय उप मंत्री इशिबाशी रिंटोरो के साथ में बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतिनिधि मंडल ने जापान यात्रा के दौरान होंडा वाफुकू ग्रुप तोहे ग्रुप के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने जापानी कंपनियों को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने और यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। जापान के वाफुकू ग्रुप ने प्रदेश में अस्पताल और जापानी भाषा संस्थान स्थापित करने में रुचि जताई, जिसके जरिए अगले 5 साल में 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थानी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में होंडा मोटर्स अधिकारियों ने राज्य में दी गई मौजूदा सुविधाओं, अफसरों और सरकार के समर्थन के लिए आभार जताया। इस मौके पर सीएम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में निवेश के अवसरों और संभावनाओं पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, एसीएस शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।